तो उसके लिए जैसे मैं सजेस्ट करूंगा ये वसंत विहार का या ये वेस्टर्न में हम खड़े हैं या आर के पुरा, ये सारा 8 कॉलोनीज हैं, तो ये इनके जो लोगों के लिए एक सेंटर बन जाए और जिसमें स्पेशलिस्ट आया कर और ये जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनको जो हेल्प है, तो वो यही एक सॉर्ट ऑफ दो स्टेप पे या इन कॉलोनी के सेंटर में मिल जाए, बजाय कि वो सारा दिन जा जाए हॉस्पिटल में धक्के खाएं जो उनकी फिजिकल हेल्थ अलाउ ही नहीं करती। द बेस्ट थिंग इज टू नॉट गेट दिस डिजीजेज इफ यू टेक प्रिकॉशन ड्यूरिंग दी यंग एज, बिकॉज नोबडी पेज एनी अटेंशन ड्यूरिंग यंग एज टू दीज प्रॉब्लम, थिंक दैट दे विल नॉट सफर फ्रॉम इट। So the best thing is that they should look after their self in young age, and they should be guided by various associations or various other companies, which they should tell them how to protect themselves. It's better that they say prevention is better than cure. इंसान के साथ व्यवहार अच्छा हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, बोलचाल हो, तो आदि मेडिकल समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये सीनियर सिटीजन को अप्लाई नहीं करती, आफ्टर 65 वो आपको इंश्योर करने को तैयार ही नहीं है आपकी लाइफ को, जबकि ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक मतलब एक सोशल के लिए गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम चलानी चाहिए, एक रूल ये रिलैक्स करने चाहिए, सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन हो जाए कि एज लिमिट जो है उसको होनी नहीं चाहिए, जब तक आदमी रहता है उसको रहने का हक है, तो उनकी इंश्योरेंस अगर वो अफोर्ड करता है पैसे दे, और एक बढ़ा देते हैं ओल्ड एज में चार्जेस भी, और जो ओल्ड एज में हैं उनके मींस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, इवन पेंशनर भी हैं तो थोड़ी सी पेंशन में बाद में रहना मुश्किल हो जाता है, या बाकियों के भी मींस कम ही होते हैं ज़्यादातर, तो उन लोगों को भी रेट वही चार्ज करने चाहिए इंश्योरेंस के जो यंगस्टर्स पर करते हैं। ये किस्म का एक सब्सिडी होगी ओल्ड पीपल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इंश्योरेंस कई लोग तो कवर हो जाते हैं, जैसे CGHS डिस्पेंसरीज हैं या कोई रिटायरीज हैं उनको बेनिफिट होते हैं, किसी के नहीं होते तो उसको तो इंश्योरेंस पे पढ़ना पड़ता है, इंश्योरेंस लेट स्टेज में करते नहीं हैं। अगर उनके लिए कोई ऐसी सुविधा कर दी जाए कॉमन मैन के लिए जिसमें वो कुछ पैसे दे के कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, उसको कोई सुविधा मिल जाए, तो उसकी काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। The old man going to the hospital and bringing some medicine is absolutely no help to him. When he reach home, he is again perturbed what he has to do. Therefore, medically, in every hospital, I find there should be one man who can communicate with him what the doctor is wanted to do him, and furthermore, regarding his diet, regarding his activities, personal affair. इस एज में आपको अकेलेपन की कोई समस्या? अकेलापन तो मैं इतना महसूस नहीं करता क्योंकि अभी हिम्मत है, हाथ पैर चलते हैं। ये मेरे को बड़ी क्लीन अवेयरनेस है कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो मैं अपना काम अपने आप करना चाहती हूँ। समस्याएं बहुत आती हैं, माता पिता के घर में बहुत शेल्टर्ड लिविंग थी, पति के घर में बहुत शेल्टर्ड लिविंग थी, एकदम से छोटी छोटी समस्याएँ पहाड़ जैसी लगती हैं, लेकिन आई ट्राई टू डील विद देम। मैं सबसे हेल्प लेना चाहती हूँ लेकिन मैं उनके ऊपर छोड़ नहीं देती हूँ। दैट इज माय वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ। हमारा भारतवर्ष का समाज यही कहता है कि 70-75 साल के बाद रिटायर होने के बाद अपने संसार को छोड़ करके भगवान का नाम लो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, उन्हीं से उनकी मुक्ति हो जाती है। जो सत्संग और शास्त्र पढ़ते हैं वो बीमार भी नहीं होते, उन्हें स्पेशलिस्ट की जरूरत भी नहीं होती। बच्चों पर बहुत डिपेंड नहीं करना चाहिए, नेचर्स वे ऑफ लाइफ यही है कि जब बच्चे बूढ़े हो जाएं आदमी बच्चों को छोड़ दे, भगवान ने यही कहा है। पक्षी पक्षी जो हैं सब छोड़ देते हैं बच्चों को, वो कहते हैं अब हम बूढ़े हो गए तुम उड़ जाओ अपने अपने, अपनी लाइफ अपने आप देखो। सो अगर साथ में रहना भी पड़े तो आप अनअटैच्ड रहो, इंटरफियरेंस ना करो। सामने मटर पनीर आ गया तब भी ठीक है, अगर घिया की सब्जी आ गई तब भी ठीक है, नमक ज्यादा हुआ तब भी ठीक है, मिर्चें तेज हुई तब भी ठीक है। जब वो पूछे हाँ बेटा क्या, हाँ बेटा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसे प्रॉब्लम आ नहीं सकती। बच्चे आपको रिस्पेक्ट करेंगे, कहते हैं हाँ भाई ये हमारा बुजुर्ग है, इसको खाना वाना तो ठीक से दे दो। वृद्ध व्यक्ति बहुत कुछ पाने की आशा नहीं रखता, उसे तो आशा होती है सिर्फ अपने अकेलेपन को बांटने की, और ऐसे में वो तलाश करता है एक ऐसा सहारा जो उसके नजदीक आए और उसके अकेलेपन को उसके साथ बांट सके। हमारे देश के कुछ महानगरों में कुछ ऐसी संस्थाएं बन चुकी हैं जो वृद्ध व्यक्तियों के नजदीक आकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में पहल कर रही हैं। पहले प्रश्न करता हूँ, हम कौन है?
हम आदमी है, इंसान है, हमारा दूसरे जीव से हम कैसे क्या डिफरेंस है, हमारा दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, ये सब की वजह से, और हम 60 साल के उम्र 70 साल के हो गए हैं, जिंदगी में हम बहुत पढ़ा है, बहुत सुने हैं, बहुत काम किए हैं, तो इस स्थिति में, इस स्टेज में हमको कैसे चलना है ये हमको डिसाइड करना है। तो इसी पहले था, आश्रम था, बुजुर्ग लोग जाते थे, वहीं रहते थे, और बच्चे भी आते थे, पढ़ते थे, उनका बहुत सारे 6 बढ़िया कर्म करते थे, पठन पाठन दान प्रतिग्रह जजन जाजन। हमारी संस्था सोलेस एंड हेल्थ सीकर क्लब जो है उसमें हम चाहते हैं कि हेल्थ पहले बने और उसके बाद ईश्वर का नाम लें, ताकि ये दोनों चीज़ें साथ चल करके हमारी लंबी आयु हो। तो वैसे तो 10-12 साल से ये सारा कार्यक्रम चल रहा था, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी, किसी को कोई पता नहीं था ये अरोड़ा है या गुप्ता है या भटनागर है या कौन है, कुछ पता नहीं था। लेकिन उस संस्था को हमने देखा कि मैं मर जाऊं, मैं गिर पाऊं तो कोई बता नहीं पाएगा। हमने एक डायरेक्टरी बनाई, नाम लिखा, एड्रेस लिखा, टेलीफोन नंबर लिखा, पीछे कहाँ के रहने वाले हो, अब कहाँ काम करते हो, सारा बनाया, ताकि एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। और जो आदमी कभी 12 साल से 14 साल से यहाँ आते थे उनको इस संस्था का कोई पता नहीं था। हमने 1990 में इस संस्था का नाम रखा, सोच विचार करके, सरदार जी हैं, वो अत्री साहब हैं, और दूसरे साथ मिल करके हमने इस संस्था का नाम रखा सोलेस एंड हेल्थ सीकर्स क्लब। ये कोई किसी के साथ वो पार्टीशन में या किसी के साथ को दखल नहीं देते, इवन तो बाइबल पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, योग विशिष्ट पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता, सब धर्मों का समझते हैं। एक निचोड़ है जो यहाँ पर आता है, सारा वो चीज़ें पढ़ करके, क्योंकि सब धर्म हमें आपस में मिलाना सिखाते हैं, जोड़ना नहीं सिखाते, कोशिश हमारी यही होती है कि हम आपस में जुड़े। तो यह था हमारा आज का बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य लिखेगा इस पते पर। कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए, कमरा नंबर 447, चौथी मंजिल, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001। Basically, I am from Rajasthan. I did my graduation from Rajasthan only. After that, मैं post graduation के लिए अपना Delhi आई। यहाँ से मैंने Delhi University से post graduation किया music में, क्योंकि मैं music में ही करना चाहती थी, तो और Rajasthan में MA music में नहीं था उस समय, तो उसके लिए मैं Delhi आई। और now I'm doing MPhil in music from Delhi University only. I'm Anuradha Das. I'm an announcer on Doordarshan and AIR. I'm a news reader on ATN and I'm a channel presenter on City Cable. इसके अलावा कुछ टेलीफिल्म्स करती हूँ, मॉडलिंग्स मिलती हैं तो मॉडलिंग्स, और गाती भी हूँ मैं थोड़ा बहुत। हॉबीज तो मेरी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक के अलावा स्पोर्ट्स, मूवीज देखने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, और थोड़ा बहुत पढ़ने का भी है। जब मैं MA करने के लिए दिल्ली आई तो एक्चुअली उस समय मैं थोड़ा बहुत रेडियो सुना करती थी कभी कभी, तो रेडियो पर उस समय युवानी पर, वैसे वो आजकल भी आता है प्रोग्राम, महफिल करके एक प्रोग्राम है, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम है ये,
ये मैं काफ़ी सुना करती थी क्योंकि म्यूज़िक में थी तो काफ़ी इंटरेस्ट था फिल्म सॉन्ग्स का। तो वो सुनते सुनते उसमें होता था कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें बाद में एड्रेस बोलते थे कि आप इसमें अप्लाई करिए। और तो मैं एमए कर रही थी क्योंकि साथ साथ, तो जस्ट मैंने ऐसे ही उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। ये आधे घंटे का प्रोग्राम आता है और अप्लाई किया तो मेरे को कॉल आया और मैं AIR गई। वहाँ पे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मेरे ख्याल में मैं यही कह सकती हूँ कि मैंने तो कोई तैयारी की नहीं थी एज सच ऑडिशन के लिए, लेकिन शायद मैं म्यूज़िक की स्टूडेंट रही थी, थोड़ी आवाज़ ठीक थी तो मेरे ख्याल में शायद मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया और मेरे को वो प्रोग्राम मिला आधे घंटे का। मैंने वो प्रोग्राम किया तो उस प्रोग्राम के एकदम बाद युवानी की एक टेक्स्ट थी मिसेस शोभा मित्तल और मैं मतलब बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे काफ़ी इनक्रेज किया। और उस प्रोग्राम के एकदम बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम कुछ प्रोग्राम AIR के लिए करो, मैं तुम्हें कुछ प्रोग्राम देती हूँ, तुम कुछ प्रोग्राम करो। तो उन्होंने उसके बाद में महफिल के बाद मेरे को कुछ और फिल्म बेस्ड प्रोग्राम्स, तराना, मन भावन, रंग बिरंग, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स मेरे को युवानी के लिए ही थे वो दिए और मैंने वो किए। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह का प्रोग्राम दिया कि सारा प्रोग्राम तुम ही बनाओ, लाइक एडिटिंग भी तुम करो और इंटरव्यू भी तुम ही करो। तो उस तरह के मैंने एक आध प्रोग्राम बनाए युवानी के लिए और जब कुछ इतना कर लिया तो फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया मेरा, मतलब मेरे को इनक्रेजमेंट मिला मेरे घर की तरफ से भी और मेरे को मतलब वो मैडम ऐसी मिली कि उन्होंने काफ़ी इनक्रेज किया। तो उसके बाद में मैंने कैजुअल डांसर के लिए अप्लाई किया तो AIR में उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और AIR में मैं कैजुअल डांसर हो गई। उसके बाद में ये मतलब एक तरह से कह सकती हूँ कि मैं पहली सीढ़ी मेरी थी। तो AIR पर कैजुअल अनाउंसर हो जाना मैं कह सकती हूँ कि मतलब इस फील्ड में मेरी पहली सफलता की सीढ़ी थी। उसके बाद में मैंने वहाँ जाना शुरू किया और क्योंकि दूरदर्शन की बिल्डिंग उसी के साथ लगी हुई है तो मैंने जस्ट उसमें भी अप्लाई कर दिया अनाउंसर के लिए। और मैंने कोई फ्रेंकली मतलब मैंने कोई तैयारी नहीं की थी उसके लिए, बस यही था कि मेरी हिंदी कुछ ठीक कह सकती हूँ मैं कि ठीक थी और क्योंकि अनाउंसमेंट सारे हिंदी में ही होते हैं AIR में भी दूरदर्शन में भी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई। आजकल जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं दोबारा आजकल जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं मेरे ख्याल में उनको सबसे पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो उनकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ भी अच्छी होना चाहिए और उसके अलावा थोड़ा तो फटाजानिक भी होना चाहिए। और जो न्यूज़ रीडिंग करना चाहते हैं अगर वो इंग्लिश न्यूज़ रीडर होना चाहते हैं तो इंग्लिश पे अच्छा कमांड होना चाहिए। हिंदी न्यूज़ रीडर होना चाहते हैं तो हिंदी अच्छा होना चाहिए, प्लस अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसका एक अपना टोन होता है, तो टोन आप में होना चाहिए। तो वो स्क्रीन टेस्ट जब होता है वो सब लोग मतलब वो लोग टेस्ट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो जो यंगस्टर्स इसमें आना चाहते हैं उनको बहुत मेरे ख्याल में गलतफहमी है कि इसको अप्लाई करना बहुत कठिन है या इसमें लोग कैसे जाते हैं वो लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसका बहुत ही सीधा साधा मतलब प्रोसीजर है और वो यही है कि इसका कोई फॉर्म या दूरदर्शन से नहीं मिलता है या AIR से कोई फॉर्म नहीं है FM के अलावा। तो इसके लिए जस्ट यही है कि आपको अपना बायोडाटा बनाकर अपना एप्लीकेशन आपको देना होता है DD में और उसके अलावा अपना फोटोग्राफ एक देना होता है और आपके सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो आप जमा करा देंगे। उसके बाद जब भी स्क्रीन टेस्ट होगा वो आपको कॉल करेंगे और आपका स्क्रीन टेस्ट देंगे। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके जो लोग नहीं जानते हैं आजकल।
इस फील्ड में आने के बाद मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो सबको करना पड़ता है और मैंने भी किया है। लाइक जब एमए में थी और मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, क्या हो गया, मेरे ख्याल में जो भी लोग इस फील्ड में आते हैं या इस फील्ड में हैं, मेरे ख्याल में कभी ना कभी तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है और मैंने भी किया है। और कहते हैं कि कुछ पाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। तो लाइक जब मैं कॉलेज में थी, एमए में थी और मेरी ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे को कैंसिल करवाना पड़ता था, अपने एग्ज़ाम्स की वजह से मैं जा नहीं पाती थी। उसके बाद में मेरी शादी हुई, शादी के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो गया था शुरू के दिनों में, क्योंकि आप एकदम दूसरे फैमिली में चले जाते हैं और वहाँ थोड़ा सा शुरू में तो कम से कम मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और हालांकि मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव और आज उन्हीं लोगों की वजह से मैं जितना भी मतलब जो भी कर पा रही हूँ उन्हीं लोगों की वजह से है। तो लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का यही है कि कभी कभी, अभी मेरी एक छोटी डॉटर है और वो अभी सिर्फ 1.5 साल की है, तो उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मैनेज करना कभी कभी। कई बार कुछ ऑफर्स मेरे को मना भी करने पड़ते हैं क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं और हम लोग नहीं चाहते कि अपनी डॉटर को हम लोग क्रैश में डालकर, जैसा कि आज हर जना कर रहा है शायद, जो भी इस फील्ड में है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। और लेकिन क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है और मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा जो टाइम बचे उसमें मैं, क्योंकि मेरा ये हॉबी के तौर पर रहा है ये काम सारा, और मैं इसको करना ज़रूर चाहती हूँ कंटिन्यू, लेकिन हॉबी के ही तौर पर, मतलब उसको लाइक ये नहीं कि फैमिली को साइड में कर कर और इस काम में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट मैं अपनी फैमिली को ही प्रेफरेंस देती हूँ और कभी भी जब मेरी कोई शूटिंग होती है तो मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर के पास होते हैं और चैन को ऑफिस से ही छुट्टी लेनी पड़े, और जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मैं अपनी डॉटर के साथ होती हूँ। और तो कॉम्प्रोमाइज़